गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 13.2 के जो मिसलेनियस एग्जांपल्स है उनको स्टार्ट करेंगे। आई थिंक कल के लेक्चर में एग्जांपल 20 हो गया था कंप्लीट और इसके बाद 21 चलेगा। प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दे करो, और प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से उसको वॉच कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट कहां तक क्वेश्चन हुए थे कल बताइए। एग्जांपल 20 हो गया था ना, 21 चलेगा आज। ट्वेंटी वन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट। एग्जाम्पल 21 तो शायद कल हो गया था, है ना। हाँ 22 चलेगा आज। एग्जाम्पल 22 विद प्रश्नावली है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स LD, ठीक है। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का एग्जांपल 22 चल रहा है। प्यारे बच्चों क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स की पावर 5 माइनस में कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, आई कैन सी डेट, ठीक है। डियर स्टूडेंट इसका हमें क्या निकालना है, अवकलज निकालना है, डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लो, माना लेट एफ ऑफ एक्स फंक्शन, मैंने क्या मान लिया एफ ऑफ एक्स फंक्शन है मेरे पास ये एक्स की पावर 5 कॉस एक्स साइन एक्स। इस फंक्शन का हमें अवकलज निकालना है। तो आप जानते हो कि ये फंक्शन अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिखा हुआ है। तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला रूल। आपने पढ़ा होगा कि यदि दो फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जाते हैं तो इसका अवकलन क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यानी अंश बटे हर, हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो एफ एक्स देखिए, पहला तो यहां पर लिख लो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ पहले मैं अवकलन का सिंबल लगा रहा हूं, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5 माइनस में कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसके बाद ध्यान दीजिएगा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स, ठीक है। और यहाँ पर डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर वाला रूल अप्लाई कर दो, अंश बटे हर का अवकलन का सूत्र लगा लो, हर का स्क्वायर यानी साइन एक्स का स्क्वायर, फिर हर को छोड़ा साइन एक्स को छोड़ा डी अपॉन डी एक्स न्यूमरेटर यानी अंश का अवकलन माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा यानी एक्स की पावर 5 कॉस एक्स को छोड़ा डिनोमिनेटर का अवकलन एंड डिफरेंशिएशन साइन एक्स का अवकलन, ठीक है। देखो हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन।
तो एफ डैश एक्स को आपको बिल्कुल सेम रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है बिल्कुल, साइन एक्स को सेम रख दो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखो, इन दोनों फंक्शन का मैं सिंगल सिंगल क्या निकालूंगा, अवकलन निकालूंगा। एक्स की पावर फाइव क्या होगा, फाइव, ठीक है, फाइव इंटू एक्स की पावर फोर। एक जो पावर होती है वो कम हो जाती है, और ये जो मतलब पावर होती है इंटू में आती है, ठीक है। ये मैंने समझा रखा है बेसिक फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से मैंने समझाया आपको एक्स की पावर एन वाले से। तो जिसको नहीं मालूम है वो इसको याद कर ले, ठीक है, ऐसे। फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ये माइनस प्लस हो जाएगा। फिर भाई कॉस एक्स का क्या होगा, आपको साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स होगा, माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा फिर। और फिर यहाँ पर माइनस सेम एक्स की पावर फाइव कॉस एक्स, और देन यहाँ पर साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन में साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पहले लिख ले सही से, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी समझ में आ जाना चाहिए बिल्कुल। डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखिए, अंश क्या था, एक्स एक्स की पावर फाइव माइनस कॉस एक्स था, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस है, क्योंकि देखिए ना, हर का स्क्वायर हर को छोड़ा, अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा, अंश ये है, तो यही वैल्यू यहाँ पर आएगी, फिर हर का अवकलन, फिर सेम रख दिया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर साइन का कॉस हो गया। चलो अब आगे तुम लोग भी ध्यान नहीं देते मेरी बात पे, तुम्हारा ध्यान किधर है, यहाँ बैठना के। एफ डैश एक्स सुन लो ध्यान से, साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, फाइव एक्स की पावर फोर साइन एक्स, इसका मल्टीप्लाई यहाँ प्लस साइन के साइन में साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई करो अंदर, एक्स की पावर फाइव माइनस माइनस प्लस, और इसका भी करो मल्टीप्लाई अंदर, कॉस एक्स, ठीक है, और एक्स की पावर फाइव में इसका भी इंटू कर देंगे ब्रैकेट में, फिर माइनस माइनस प्लस, माइनस भी तो कहाँ पे, यहाँ तो हो तो गया, ये माइनस ही माइनस प्लस, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करेगा, इसके अपॉन में चल रहा है ये चीज, ये रख दो सेम, क्या हुआ, तो उसके बाद फिर प्लस आपने फिर वैसे करना, फिर प्लस आता नहीं है एक्स की पावर फाइव की ओर, कहाँ पे, जब ये माइनस था, ये भाई ये माइनस हो गया, ये रहा, अब ये माइनस से ये माइनस हो गया प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया कॉस, अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स इनटू कर दिया, हाँ और क्या भाई, इसका इनटू करना दोनों में कराना, एक्स की पावर फाइव के साथ भी आए कॉस एक्स, और कॉस का कॉस में होगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखो सेम क्या चीज़ है, हाँ देखिए प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो वन हो जाएगी प्लस में दोनों में, है ना, चाहे तो एक बार थोड़ा सही से लिख दो इसको, फाइव एक्स की पावर फोर साइन एक्स माइनस एक्स की पावर फाइव कॉस एक्स, और इन दोनों की वैल्यू देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू वन रख दी, अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब एक बार आंसर चेक करते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है, बिल्कुल आंसर राइट आ रहा है, बस इसने क्या कर दिया, माइनस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, ठीक है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज अगर आप लिखना चाहती हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इनने क्या करा, माइनस एक्स की पावर फाइव कॉस एक्स को लिख दिया पहले, फिर फाइव एक्स की पावर फोर साइन एक्स को लिख दिया बाद में, प्लस वन लिख दिया अपॉन में साइन एक्स का होल स्क्वायर है,
तो ये एकदम राइट आंसर आपका आ चुका है। एनसीईआरटी से आप मैच कर सकते हैं अपनी बुक से। लो नोट कर लें बिल्कुल इसको सही से। तो डियर स्टूडेंट अब ध्यान से देखिएगा आगे। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब कॉलेज समझ में आ रहा है ना आपकी? अब कॉलेज बिल्कुल मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से अब कॉलेज समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से, सेकंड है एग्जांपल नंबर 22 का सेकंड पार्ट। इसको ध्यान से देखिएगा कि x प्लस कॉस एक्स अपॉन टेन एक्स, इसका निकालना है आपको अवकलज। ठीक है, सबसे पहले लेट माना, इस फंक्शन को मान लो f ऑफ x, x cos x अपॉन tan x। अब वही अंश बटे हार है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला रूल है। तो यहाँ क्या लिखोगे? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में टेन एक्स, ये लिख दिया मैंने फंक्शन। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हुआ? एफ डैश एक्स हो जाएगा। यहाँ अंश बट्टे हर का रूल लगा लो, हर का स्क्वायर। हर क्या है? टेन एक्स का स्क्वायर है हर। फिर हर को छोड़ा, टेन एक्स को छोड़ा, डी अपॉन डी एक्स अंश का अवकलन। अंश किया एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस अंश को छोड़ा, अंश किया एक्स प्लस कॉस एक्स। हर का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, हर क्या है? टेन एक्स। ऐसे ठीक है। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दो पहले यहां पर, टेन एक्स को रख दो सेम, एक्स का हो जाएगा वन, एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष वन, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस ही प्लस माइनस कर रहा हूँ सीधा, माइनस का साइन एक्स। फिर अपॉन में क्या चल रहा है? टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा इसका मल्टीप्लाई करना, ये आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो पहले यहाँ पर जरा एक्स प्लस कॉस एक्स को लिख दिया मैंने एज इट इज, यानी सेम लिख दिया है, ये वैल्यू को लिख दी सेम। उसके बाद देखिए टेन एक्स का अब को लगे सेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, लिख लो पहले यहाँ तक, नोट कर लिए इसको बिल्कुल सही वी में। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए इसके बाद आपको क्या करना है। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल राइट है। यहाँ तक अगर आपने अवकलज निकाल दिया, छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है केवल अवकलज फाइंड आउट करना। लेकिन बुक ने देखो, एनसीईआरटी बुक ने इसको कैसे लिखा आंसर, देखिए ध्यान से पहले एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसने लिख दिया पहले ये वाली टर्म्स, अपॉन का तो सेम ही है टेन एक्स का स्क्वायर। बस ने क्या करा, वन माइनस साइन एक्स को लिख दिया फर्स्ट, वन माइनस में साइन एक्स। ठीक है, और टेन एक्स को लिख दिया बाद में, फिर माइनस एक्स प्लस में कॉस एक्स और इनटू में सेक स्क्वायर एक्स। ऐसे ये आंसर आ गया, चेक कर लो आप, ऐसे ही आपकी एनसीईआरटी बुक ने लिखा है इसको। आर्यन कहाँ था? हाँ तो गया, अब आ गया, बैठ अब जा करके, सवाल हुए नहीं एक भी। विविध प्रश्नावली अध्याय 13 पर लिमिट और अवकलज की विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज देखी ध्यान से। प्रथम क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम सिद्धांत से निम्नलिखित फलनों का अवकलज ज्ञात करो।
प्रथम सिद्धांत से निकालना है, ठीक है। तो यानी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखिए माइनस एक्स का निकालना है प्रथम सिद्धांत से, अवकलन क्या होगा, ठीक है। तो पहले ध्यान से देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको मान लो एफ ऑफ एक्स, माना एफ एक्स है ये फंक्शन माइनस एक्स। प्रथम सिद्धांत में क्या करती है, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस एच पुट करती है, माइनस तो बाहर कर लो, एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एच पुट कर लो ऐसे, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल लॉ प्रथम सिद्धांत से द्वारा, प्रथम सिद्धांत से या प्रथम सिद्धांत द्वारा ऐसे लिख लो, प्रथम सिद्धांत से लिख दो चाहिए ऐसे। तो d अपॉन डी एक्स एफ एक्स का निकालना है, फिर लिमिट लगा लो, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में h, ये है फॉर्मूला प्रथम सिद्धांत का। एफ एक्स का x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, f डैश x, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। और यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, एफ एक्स प्लस एच कितना है माइनस एक्स प्लस एच, तो यहाँ रख दिया इसकी वैल्यू, यहाँ से ये वाली इसके नीचे यहाँ रख दो माइनस एक्स प्लस एच। माइनस को सेम, एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से देखो एफ एक्स कितना है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को ब्रैकेट में रख दो ऐसे, अभी कर देंगे कोई नहीं। अपॉन में क्या एच है, ठीक है। अब देखिए एफ डैश एक्स को इधर लिखता हूँ मैं, ये वाली वैल्यू वहाँ लिख दी मैंने, और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो सेम, और अपॉन में एच है तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस एक्स माइनस एच और माइनस माइनस प्लस एक्स, एक्स से एक्स कट हो गया माइनस प्लस का एक्स, ठीक है। तो क्या बचेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच बच जाएगा ऊपर खाली, न्यूमरेटर में माइनस एच बच जाएगा, डिनोमिनेटर में प्लस का एच बच जाएगा, एच से एच भी कट हो गया वन टाइम। अब लिमिट कहाँ रखो, अब तो वो रहा नहीं है, एच तो है ही नहीं है, तो सीधे लिमिट रखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर एच से एच वन टाइम कट हो गया तो माइनस का वन, यानी एक्स का अब क्लच क्या होता है माइनस एक्स का होता है माइनस वन। आई बात समझ में, माइनस एक्स का अब क्लच माइनस वन। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, उसको रहने दो अब, वो मैं देख लूंगा, तुम यहाँ देखो। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड देखिए इसका। तो ध्यान रखना कि x का माइनस एक्स का अवकलन प्रथम सिद्धांत से हो चाहे सिंपल हो, माइनस वन ही होता है, पर करने है प्रथम सिद्धांत से ही। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए ध्यान से, माइनस एक्स की पावर माइनस वन, इसका निकालना है प्रथम सिद्धांत से, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लेट कर दो, मान लो माना f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का x की पावर माइनस वन ऐसे, ठीक है। आप समझ लो ध्यान से, पहले f x इज इक्वल टू, देखिए x की पावर माइनस वन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन माइनस एक्स लिख सकते हैं, नहीं जब x नीचे आएगा तो इसकी पावर प्लस बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। अब प्रथम सिद्धांत में क्या करते हैं, x के प्लेस पर x प्लस h रखते हैं, तो वन से माइनस बाहर कर दो, माइनस कर लो ऊपर चाहिए, यहाँ कर लो माइनस, ठीक है, यहाँ कर दिया माइनस, मैंने ये रहा माइनस। अब x के स्थान पर x प्लस h रख दो बस, ये ठीक है। अब लिखो प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत से, प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला क्या था, d अपॉन dx fx
लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच। एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, ठीक है। और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो इसको तो रख लो सेम बिल्कुल। अब देखिए ध्यान से, एफ एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू ये वाली माइनस में है, ठीक है, ये है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एच, ये बीच में माइनस। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू ये वाली रखो माइनस, देखो ये माइनस है यहाँ पर और ये माइनस है तो कर लो प्लस सीधा, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू वन अपॉन एक्स और अपॉन में एच, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इधर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, यहाँ पे ले लो एलसीएम ऊपर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ इसका यहाँ कर लो, माइनस एक्स, एक्स वन जे एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स प्लस एच का मल्टीप्लाई वन से करो तो एक्स प्लस एच हो जाएगा ऐसे, और इसका मल्टीप्लाई फिर एक्स में करो अपॉन एक्स, एक्स प्लस एच, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, एच चल रहा है, यहाँ तक समझ में आना चाहिए क्लियर बिल्कुल, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? तो देखिए ध्यान से, प्लस एक्स माइनस एक्स कट हो जाएगा, ठीक, जो बचा पहले वो लिखो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर क्या बचा एच अपॉन में एक्स और एक्स प्लस एच और अपॉन में क्या बचा एच, ये ठीक है। ऊपर वाले की फ्रैक्शन थी, नीचे वाले की फ्रैक्शन नहीं थी, तो यहाँ पर वन लेट कर दो और ऊपर वाले से ऊपर वाला कट हो गया, यानी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट कर दिया मैंने, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए जरा, ये वाला सबने नोट कर लिया, देखिए अब इसके बाद एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, देखो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ वन नहीं, यहाँ वन, इसका मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा वन, इसका बीच वाले के साथ में, यानी वन अपॉन में एक्स और एक्स प्लस एच बच जाएगा खाली इतना। अब डियर स्टूडेंट लिमिट पुट कर दो, क्या कर दो, लिमिट कर दो पुट यहाँ पर। अब देखिए जहाँ जहाँ एच है वहाँ रखना आपको जीरो इसकी लिमिट, तो वन, लेकिन लिमिट रखने के बाद लिमिट का फंक्शन आपको यूज नहीं करना है, ये हट जाएगा, बस ध्यान रहे, एक्स और एक्स प्लस जहाँ एच है वहाँ जीरो, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, चेक कर लो प्यारे बच्चों, माइनस वन अपॉन एक्स का अवकलज क्या होता है, प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, चेक कर लो।